हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों ने जो क्लास लिया ये परसेंटेज की क्लास है, क्लास सेकंड है, ठीक है। और जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो कल की क्लास हमने सीखा था उसमें हमने सीखा था आपके जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली स्टार्ट थे नंबर से, यानी क्वेश्चन कितने परसेंट किसका क्या होता है। आज हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक से सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नया आए तो आप जाकर पहला वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको देखिए। और आपका जो अगर आपका मन हो, आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लो, और आगे इसी वजह से इसी तरह के वीडियो अगर आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। बेल आइकन से क्या होता है, कोई भी वीडियो आपको जो है सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आज के क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन लेते हैं वो पहले समझ लेते हैं मेथड किस पर आधारित होगा, ठीक है। पहला मेथड है और किस पर आधारित होगा उससे रिलेटेड। परसेंटेज से पहले एक हम लोग गुणा की ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। गुणा की ट्रिक में एक हम लोग आज एक आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। जैसे किसी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे हमने मान लो संख्या लिया 30 22, ठीक है। हमने संख्या लिया कितनी 30 22, हमने बोला इसमें आप डिवाइड कर दो कितने से, 5 से, क्लियर है। 30 22 संख्या लिया, हमने बोला इसमें इसको 5 से आप डिवाइड कर दो। तो ये डिवाइड करने के लिए अब आप करोगे क्या, सबसे पहले एक कैंडिडेट क्या करेगा, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएगा। तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 5 × 10 = 0 हासिल 1, 5 × 10 = 11 = 1 हासिल 1, 11 हो जाएगा क्योंकि 0 है, 5 × 3 = 15, क्लियर है। इतना आंसर आया, लेकिन इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक मेथड से ही कर सकते हो। कैसे, देखो कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, अब आप इस ट्रिक को समझना है, आपको बहुत ध्यान से समझना। करते क्या है, अगर किसी भी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कराना हो, किससे मल्टीप्लाई कराना हो, 5 से, तो ये करने के लिए हम लोग करते क्या है, जो ये संख्या है इसका आधा कर दो। 30 का आधा कितना होगा, 15, ठीक है। दो दो के पेयर बनाते हैं, ये दो का पेयर बना लो। 22 का आधा कितना होगा, 11, 10 लगा, यही आंसर। मतलब क्या होता है, जो संख्याएं हैं उनको दो दो के पेयर में बनाएंगे, फिर से समझ लो, जो संख्या है उसको दो दो के पेयर में बनाएंगे, आधा आधा कर देंगे और बाद में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो भैया। चलिए क्लियर हो गया होगा। आज की जो ट्रिक हम लोग सीखते हैं, देखो वो है कि जब जब क्रमागत वृद्धियां हो, क्रमागत वृद्धि हो। अब देखो इसमें कुछ कैंडिडेट ये बोलेंगे कि भैया क्रमागत वृद्धि से क्वेश्चन तो एक ट्रिक बनती है आपकी। कौन सी ट्रिक होती है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। एक्स मान लो, आप ये मान लो कि दो वृद्धियाँ हुई, ठीक है, पहली परसेंट एक्स परसेंट हुई और फिर वाई परसेंट हुई, ठीक है। वृद्धि हो या कमी हो, लगातार इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कुछ भी प्रोसेस होगा, तो ओवरऑल आपसे बोलेगा कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। अब आप देखो यहाँ से, जब आप ये देखोगे तो पहले एक्स परसेंट की वृद्धि फिर एक्स परसेंट की वृद्धि, तो इसका फॉर्मूला आपको बता दें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसको आप रख सकते हो इसमें, ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रेज करते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप ले लिए, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन हो जाता है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बढ़िया आसानी से कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं भैया ट्रिक सही होती है, लेकिन हम आपको बता दें, हम आपको ऐसा मेथड पढ़ा लेकर चलेंगे जो सभी में फॉलो हो। जैसे ये फॉर्मूला आपको देख लो, ये फॉर्मूला कोई विशेष नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर दो से ज़्यादा संख्या मान लो दे दी गई, अब तो क्वेश्चन 3 या 4 तक चले जाते हैं, 3 बार लगातार वृद्धि हो रही है, 4 बार लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसमें क्या ये ट्रिक फॉलो होगी, नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप बेसिक से आपको जो जिनको करना है वो लोग कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपसे एग्जामिनर ने बोला पहले 10% की वृद्धि हुई, प्लस कर देते हैं मतलब वृद्धि हुई,
फिर 10% की वृद्धि हुई, क्रमागत दो वृद्धियां हो गए, तो कुल कितनी वृद्धि हुई? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लो एक व्यक्ति का नाम बोल दिया कि राम, राम के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है, ये आपका मान लो एक तरह से क्वेश्चन बन गया। अब इसको करें कैसे, अब आप ये समझो, सबसे पहले आप फॉर्मूला में अगर रखना चाहते हो, अगर आप फॉर्मूला में रखोगे तो 10 + 10 + 10 × 10 / 100। जब देखो आप यहाँ से करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, सॉरी ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, गलत कैंसिल कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है कैंसिल हो गए दो जीरो। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक बचेगा, ठीक है, 10 + 10 = 20 + 1 = 21। आंसर कितना आ गया आपका, 21%। ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की हुई, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन ये केवल दो तक ही सीमित था। अब देखो अगर आपको दूसरा मेथड हम लोग इसी में सीखे तो कैसे, 10% था और 10% था, ठीक है। अब आप मान लो पहले राम का वेतन 100 रुपये था, पहले कितना था 100 रुपये, 10% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा कि नहीं, फिर 10% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 110/100। ऐसे भी आप कर सकते हो, सेकंड मेथड है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 11 × 11, अगर आप 11 × 11 देखो तो कितना बन रहा है आपका, 11 × 11 बन रहा है 121, क्लियर है। अच्छा ये बताओ पहले आपने राम का वेतन कितना माना था, पहले आपने राम का वेतन 100 माना था, 100 से कितना हो गया 121, ओवरऑल कितना बढ़ गया, 21%, क्लियर है कि नहीं, 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये था आपका सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। अब जो फाइनल लास्ट टाइप हम लोग सीख रहे हैं वो फ्रिक्शन से सीख रहे हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में या आने वाले चैप्टरों में सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं, 10% दिया गया था आपको और फिर 10% दिया गया था, ये तो बोला गया था। अब देखो इसकी 10% की फ्रिक्शन कल बताया था हमने कितनी, 1/10 होता है कि नहीं, यानी ये बेस संख्या होती है, मूल संख्या, और ये होता है जो बढ़ा या घटा, अगर घट रहा है तो आप कम करके लिख दोगे, बढ़ रहा है तो आप ऐड करके, जैसे 10 थी संख्या, इस तरफ कर रहे हैं, 10 थी संख्या, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11, क्लियर है। फिर देखो 10% है तो उसकी भी 1/10 बनी थी, 10 थी कितनी हो गई 11, क्लियर है। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 10 × 10 कितना 100 और 11 × 11 121, यानी पहले 100 था अब 121 हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, आप बोलोगे भैया 21% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्लियर है, आया कि नहीं आपको, बोलो आ गया होगा सर समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने माना पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 33 / 1/3% की कमी की जाती है राम के वेतन में, पहले 10% की क्या की जा रही है, पहले 10% की वृद्धि की जा रही है और फिर 33 / 1/3% की क्या की जा रही है, कमी। अब देखो इसको अगर आप बाकी फॉर्मूले लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 33 / 1/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 10% का क्या करोगे, फ्रिक्शन बनाओगे, 10% की कितनी फ्रिक्शन बनेगी, 10% की फ्रिक्शन बताओ कितनी बनेगी, 1/10 अभी बताया था, यानी 10 था 1 बढ़ गया, इस तरफ कर देते हैं, 10 था 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया, 11 हो गया। अब बताओ 33 / 1/3 की फ्रिक्शन हमने कितनी बताया था, 1/3 बताया था। अब देखो ये क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा, यानी 3 था 1 कम हो गया, यानी कितना बचा 2, क्लियर है कि नहीं, बोलो भैया। अब इसमें देखो क्या कराना है, मल्टीप्लाई 10 × 33 और 11 × 2 = 22। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लो, अब इसको आप ध्यान से ऐसे समझो कि 30
ये हो गया और ये 22 हो गया। अब ये बताओ 30 संख्या थी 22 हो गई, कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आई? तो आप बोलोगे 8 की कमी आई, कितने से? 30 से, इंटू कितना? 100%। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 80/3। इसको सॉल्व कर लेना, इतने परसेंट की क्या आ गई? कमी आ गई। शायद जितने भी डाउट थे हमने देखो कोशिश किया है एक ट्रिक से रिलेटेड सारे पॉइंट एक दिन में सॉल्व हों, ठीक है? तो जितने भी आपके वैसे रिलेटेड टॉप पॉइंट होंगे वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया पढ़िए जल्दी। आपसे बोला गया कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री 20% की वृद्धि हो गई, दुकानदार की सकल यानी टोटल कितना प्रभाव होगा? दो का है सिंपल सा, आप x प्लस वाई से भी कर सकते हैं। पहले 25% कम हुआ यानी माइनस का 25 होगा, होगा कि नहीं? देखो अगर कम हो रहा तो माइनस लेकर चलेंगे और बढ़ रहा तो प्लस लेकर, इतना तो आपको पता ही होगा। प्लस का 20, अच्छा ये बताओ प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा, 20 इंटू 25 अपान कितना? 100। इसमें हमने फार्मूला लगा दिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्लियर है? अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 25 में 20 गए, माइनस का 5 आएगा यहाँ से, और माइनस 25 दूना 50 यानी यहाँ से कितना? 500, और 500 दो जीरो कैंसिल, 5, 5 और 5 कितना? 10। 10% की क्या आई भैया? कमी, क्योंकि क्या माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है? अगर आंसर माइनस में आएगा तो कमी होगी। कौन सा पार्ट सही है आपका? चौथा पार्ट सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। जिनका आंसर डी था उनका बिल्कुल सही है। आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेम मतलब इसी को कई दूसरे प्रकार, किस प्रकार? 25% की कमी हो गई, 25% की फ्रिक्शन बना लो, 1/4 बनेगी यानी 4 था, 1 कम हो गया 3 हो गया। 20% की ब्रश, 1/5 फ्रिक्शन बनेगी, 5 था कितना? 1 कम हो गया 4 हो गया। अब इसको ध्यान से समझ लो, अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर ये क्रॉस क्रॉस में है तो ये कट सकता है, जैसे ये 4 और ये 4 कट गया, इस तरफ आपका कितना मिल गया? 5, इस तरफ कितना मिल गया? 3। क्लियर है? पहले 5 था 3 हो गया, कम हुआ कि नहीं? कितना कम हुआ? 2। कितने से? 5 से, इंटू कितना? 100%। देखो जब आप सॉल्व करोगे 2 और 5, सॉरी यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इस जगह से, तभी आंसर आपका प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये 20% का क्या बोल रहा था, ये आपका 20% की बोला गया था, 20% की वृद्धि, तो जब आप 20% की वृद्धि करोगे तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ 4 ही लिख दो आप, ठीक है? तो 5 × 20 यहाँ आएगा और 6 × 3 = 18 यहाँ आएगा। क्लियर है? अब क्लियर है ना? चलिए ये 20 हुआ, ये 18 हुआ, लेस कर दो कितनी बार गया? 2, अपान कितना? 20, इंटू कितना? 100। जब देखो आप सॉल्व करोगे 20 × 5 = 100 और 5 × 2 = 10, कितने की कमी आ गई? 10% की, 10% का आंसू है यानी डी पार्ट आपका सही है। क्लियर है? बोलो भैया, आगे चले, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में प्रतिशत कमी। अब इसमें देखो दो बार कमी की जा रही है, पहले 20 और फिर 10, तो इसको भी आप क्या करेंगे? 10%। आप चाहो तो x प्लस वाई से भी कर लेना, हम केवल फ्रिक्शन से ही बताएंगे आपको। 1/10, 1/10 आया, अब 10 में था 1 कम हो गया, 10 था 1 कम हो गया 9 हो गया, 20% कम हुआ 1/5, 5 था 1 कम हो गया 4 हो गया, 10 × 5 = 50 और 9 × 45। क्लियर है? ये बताओ 50 × 45 कितना कम हो गया, पहले संख्या 50 थी अब 45 निकली, संख्या में कितने की कमी आ गई बताइए आप? तो आप बताओगे संख्या में कमी आ गई आपकी 5 की, और कितने से? 50 से, इंटू कितना? 100%। जब आप करोगे 50 × 100 और 5 × 2 क्या कहीं प्रॉब्लम हो गई? हाँ थोड़ा देख लेते हैं, पहले संख्या 10 थी, 10% कम किया जाता है तो 10 और 9 हो गया, ठीक है, और 5 × 1 = 4, तो 10 × 5 = 50
नौ चौको 36, सॉरी इसी जगह थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, 9 चौको 36। जब आप यहाँ से करेंगे, जब आप यहाँ से करेंगे तो कितना लेस हो गया, 14 अपान कितना 50 इंटू कितना 100, ठीक है 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, कितना आ गया 28%। 28% क्या क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, यानी कौन सा, चौथा पार्ट सही है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। अब देखो ये 3 बार हो गया। अब जो x प्लस वाई से कर रहे थे वो क्या इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 30% की फ्रिक्शन बना लेंगे, कितना 3/10, ये तो फ्रिक्शन बनेगी, कमी हो रही तो 10 था 3 कम हो गया, 10 था 3 कम हो गया, कितना बचा 7। क्लियर है, 30% की वृद्धि तो 10 था 3 बढ़ जाएगा 13 हो जाएगा, क्लियर है। फिर 10% की कमी, 10% की 1/10, 10 था 9 हो गया। बोलो भैया समझ में आ गया, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कराओगे 1000 इधर करा दो, 9 7 63 और 63 और 7, यहाँ पर ऐसे कर लो 13 7 91 और 91 × 9, 91 और 9 करोगे, 9 और 9 = 81, यानी कितना आ गया आपका 819। क्लियर है, 819 आ गया। अब आप यहाँ से समझो, 1000 था 819 बचा, कितना कम हो गया 19 1 20, ठीक है, एक तो ये मिला और आपको 81 और 181 शायद बनेगा समथिंग, क्यों 181 अपान कितना 1000 इंटू कितना 100%। जब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यानी 18.1% की क्या हुई, कमी हुई। कौन सा ऑप्शन सही है, लगभग देखो आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला शुद्ध वृद्धि निकटतम पूर्णांक में, यानी 18% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डी पार्ट सही है, जिनका डी पार्ट आया उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ये कपड़े 25% कम, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, ये शायद हम बता चुके हैं अभी आगे, 10% का हास आया था, ठीक है। अगर कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वैसे 10% आया था, अभी हमने किया था इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या दिया गया, 30% की कमी, फिर 30% की वृद्धि, दोबारा 30% की वृद्धि, तो कितने परसेंट की शुद्ध कमी या वृद्धि हुई, यही क्वेश्चन तो है। 30% का कितना कर देंगे, 3/10, क्लियर है, और 10 था 3 कम हो गया, कितना बचा 7, फिर 30 की वृद्धि, 10 था 13 हो गया, ठीक है, फिर 30 की वृद्धि, 10 था 13 हो गया, क्लियर है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 1000 आएगा, इनका मल्टीप्लाई आप करा लेना, और यहाँ जब रखेंगे आप कुछ भी आएगा, जो भी आए, ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट में कमेंट करेंगे, हमने प्रोसीजर बता दिया है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आयत की लंबाई 37% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए। लंबाई देखो कितनी बढ़ रही, 37 सहित 1/2, 37 सहित 1/2 बढ़ रही, तो इसकी फ्रिक्शन कितनी होगी, 37 × 74 एक 75/2 आया और 100, तो 25 × 75 = 25 × 8 = 200, 3/8 यानी 8 था 3 बढ़ गया 11 हो गया, 20% की फ्रिक्शन 1/5, 5 था 1 कम कर दिया 4 हो गया, क्लियर है। बोलो भैया, अब देखो अगर आप चाहो तो काट सकते हो, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 11, देखो 10 था 11 हो गया, कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया 1, कितने से 10 से, इंटू कितना 100, ये बात क्लियर है कि नहीं, आंसर कितना आएगा इसका 10%, यानी ओवरऑल जो आयत की लंबाई है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी। अब देखो हम आपको बता दें, कभी समान की वृद्धि हो रही हो, जैसे इसमें क्या 20 की पहले क्या की जा रही है प्लस और फिर 20 माइनस, तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, हमेशा कमी होगी। और कितने की, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका 20 का 20 विषम 400 अपान 100,
2-0 से 2-0 कैंसिल, यानी हमेशा 4% की क्या आ गई कमी, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कमी होती है। ये पार्ट सही है आपका, क्लियर है। बाकी अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, हमने कई तरीके आपको बता दिए, क्लियर है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अपोजिट हो गया है तो इसको हटा देते हैं ये क्वेश्चन। हाँ देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह है, ये हमने इस वजह से रखा है कि इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करेंगे, जो लोग वीडियो को देखेंगे वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता कर चलेगा कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं हमें, कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास को रेगुलर ले रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करने में आप शर्मिंदगी महसूस ना करें, नहीं आ रहा है तो नो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नहीं आया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, इससे मासिक कुल बिक्री 20% कमी आ गई, बिक्री के कुल समग्र प्रभाव कर लेंगे आप 10% की वृद्धि, यानी 1/10 तो 10 सा 1 बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा, 20% कमी 1/5, 5 था 1 कम हो गया 4 हो गया, क्लियर है। जब आप करेंगे 50, जब यहाँ करेंगे 44, देखो कितना हो गया 50 44 हो गया, 6 कम हुआ इंटू 50 इंटू कितना 100%, तो आप करोगे 50 × 100, 6 × 12 12% की क्या आ गई भैया कमी, कमी वाला देख लो डी सी पार्ट आपका सही है, 12% की क्या आ गई कमी आ गई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहीं तक आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपके साथ। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोला जा रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको भैया नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।